Hello friends, this is Varsha here. So let's have session today, perimeter and area. So before starting it, I want to say something. I will take live quiz tomorrow at 4 PM. So revise your concept and join me tomorrow. So let's start question number 7. The perimeter of rectangle is 130 cm. If the breadth of rectangle is 30 cm, find its length. Also find the area ऑफ द रेक्टेंगल. तो पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का, ब्रेथ भी दिया हुआ है, लेंथ निकालना है और एरिया निकालना है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2l + b. तो पेरीमीटर दिया हुआ है 130 2l + ब्रेथ दिया हुआ 30 cm. तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा l + 30. 2 6 = 2 5 = 65. l + 30. तो l = 65 - 30 = 35 cm. ये हो गया लेंथ. सो नाउ अब इसका एरिया निकालेंगे. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ है 35 cm इंटू ब्रेथ 30 cm. तो 35 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 यहाँ 0 लिख देंगे. 3 5 = 15, 15 5 1 यहाँ लिख देंगे. 3 3 = 9, 9 और 1 10. तो ये हो गया 1050 cm² स्क्वायर, ये एरिया हो गया. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8. अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल. एक डोर है दिया हुआ जिसकी लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर. द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड द ब्रेथ इज 3.6 मीटर. अब ये रेक्टेंगुलर वॉल है जिसका लेंथ दिया हुआ है 4.5 मीटर और ब्रेथ 3.6 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 per m². अब इसमें वाइट वॉश करवाना है इस वॉल में, तो सिर्फ हम इस वॉल को ही वाइट वॉश करवाएंगे, डोर को नहीं. तो इसमें क्या करेंगे कि पहले डोर का एरिया निकालेंगे और ये पूरा रेक्टेंगुलर वॉल का एरिया निकालेंगे और उसमें डोर का एरिया माइनस कर देंगे और जो आएगा उसमें कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ डोर इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ 2 मीटर इनटू 1 मीटर इक्वल्स टू 2 m². ये हो गया एरिया डोर का. अब एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग द डोर इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ दिया हुआ है 4.5 मीटर एंड ब्रेथ 3.6 मीटर. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4.5 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये एक ट्रिक से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 6 5 = 30 0 3 यहाँ लिख देंगे.
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 × 3, 4 × 6, 5 × 3 = 15, 4 × 6 = 24, 5 × 4 = 9, 2 × 1 = 3, तो ये आया 39, और इसमें 3 प्लस करेंगे तो 42, तो 42 को 2 यहाँ और 4 यहाँ लिखेंगे। अब 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 16, यहाँ 2 अंक के बाद है पॉइंट, तो 2 अंक के बाद इसको पॉइंट लिख देंगे, तो यहाँ हो गया 16.20 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ये पूरा रेक्टेंगुलर वॉल का। सो नाउ एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर इक्वल्स टू, टोटल एरिया आया था 16.20 और डोर का आया था 2 मीटर स्क्वायर, तो इसमें माइनस करेंगे 16.20 में 2, पॉइंट के बाद 0, 0, 2 के बाद पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 रखेंगे, 0, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 2 गया 4.1, तो ये आ गया 14.20 मीटर स्क्वायर। अब इसी को ये जो एरिया आया है इसका, इसी को हमको वाइट वॉश करवाना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹20, तो कॉस्ट ऑफ 14.20 इक्वल्स टू, सॉरी, तो 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 20 × 14.20, तो आएगा 14.20 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 0, 2 0 है तो 2 0 इधर लिख देंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, पॉइंट यहाँ बिठा देंगे, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट होगा, तो आंसर हो गया 284 रुपीज़, ये आंसर हो गया। सो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7 और 8। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज़ क्विज़।